ओके स्टार्ट हाँ रोल तो सबसे पहले आप गणपति जी के दर्शन करने आए और संदीप सर के सब उनके अलग अलग थीम होती है तो आपको किस तरह का जानकारी दिया गया है? मुझे तो कुछ नहीं बताया यार, कोई थीम है आज? मतलब होता है ना उनका हर साल होता है अलग अलग डिजाइन। हाँ मतलब उनकी मूर्ति जो आइडल होता है वो हमेशा खूबसूरत होता है। तो दो साल पहले जब मैं आया था तो इतना बड़ा था आइडल कि वो पूरा कमरा मतलब ले रहा था। तो इस साल मुझे ऐसा मेरी वाइफ ने बताया कि इस साल का आइडल उतना बड़ा नहीं है थैंक गॉड, बट अगला साल तो 50th है तो पता नहीं क्या होगा। आई डोंट थिंक घर पे होगा, पता नहीं शायद नीचे होगा, पता नहीं कहाँ होगा, बट हिज आइडल्स आर ऑलवेज ब्यूटिफुल। तो जो यार कोई 49 ईयर्स से गणपति बापा को घर पर ला रहा है, आई थिंक इट्स अ ह्यूज थिंग। तो लॉट ऑफ फैन, आप बहुत मिस कर रहे हैं आपको टेलीविजन में, क्या आप इतना दूर क्यों रह रहे हैं आप टेलीविजन? अरे यार मुझे जो भी शोज मिलते हैं ना उनके सेट्स होते हैं नायगांव में, वसई में, विरार में, आमगांव में, तो यार नहीं हो पाएगा। क्यों क्यों मतलब कैरेक्टर नहीं मिल रहा है या? नहीं नहीं इतना दूर नहीं जा सकता मैं अभी, नहीं वो जमाना चला गया अभी। पहले मैं जाता था 2 घंटा गाड़ी में बैठ के, 2 घंटा वापस आना और 12-13 घंटा शूट करना। अभी लाइफ थोड़ा ये पैंडेमिक ने ना सबको बदल दिया है। ओके तो अभी पैंडेमिक के बाद माइंडसेट भी बदल गया है कि यार अभी किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, सब कुछ तो है हमारे पास। ओके जैसे कि सेट जो नए नए शो है जैसे झलक दिखला जाओ, खतरों के खिलाड़ी हो, तो ऐसे शो करना आप पसंद करेंगे? हाँ ऑब्वियसली करना तो पसंद करूंगा मैं, यहाँ कोई बुलाता नहीं है। नहीं बुलाता? हाँ, नहीं। ओके डांस कितना पसंद है क्योंकि झलक काफ़ी चल रहा है इन दिनों, काफ़ी सेलिब्रिटी है, शिल्पा शिंदे है, रूबीना है, फैजू है, टॉप सेलिब्रिटीज है टेलीविजन। आपके कोई फ्रेंड है? धीरज धीरज ही आल्सो डूइंग वेल। या 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 धीरज इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन एंड या आई विश हिम द बेस्ट। वो डांस भी कर रहे हैं और शो भी उनका आ रहा है तो उनका प्रोमो आपने देखा काफी? अरे मैं बहुत कंफ्यूज था क्योंकि उसका पहले मैंने शो का प्रोमो देखा कि कोई कैरेक्टर का नाम आ रहा था, फिर मैंने झलक के पोस्टर में उसको देखा, मैं सोच रहा था कि अच्छा वो कुछ झलक का कुछ चेंज हो गया होगा, कुछ कैरेक्टर नाम डाल दिया होगा, बट नाउ आई नो कि शो भी कर रहे हैं और वो झलक भी कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ ही विल डू। ओके कॉमेडी कितना पसंद है आपको, कॉमेडी करना या कॉमेडी देखना किसका आपको पसंद आता है? क्योंकि कई सारे आजकल है मुनावर फारूकी है, कई सारे कॉमेडियन है, तो आप देखते हैं इन लोगों की कॉमेडी? यार मैं तो नॉर्मली कपिल शर्मा का शो ही देखता हूँ पर हाँ तो वो मेरा फेवरेट है। लेकिन उसमें से कृष्णा अभी आउट हो चुके हैं, उन्हें निकाल दिया गया। इज अ ग्रेट आर्टिस्ट है, इज अ ग्रेट कॉमेडियन कृष्णा। आपको ऐसा होता है किसी को निकाल देना या हट जाना, क्या आपको क्या लगता है? यार ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो सारे जो एक्टर जो टैलेंट है कॉमेडियंस है वो इतने टैलेंटेड खुद है कि सबका अपना शो होना चाहिए। तो एक शो में सबको फिट कराना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जैसे कि सोचो कि अगर आप पिक्चर बनाओ और शाहरुख खान लीड हो और वो शाहरुख खान की पिक्चर हो और फिर सलमान खान भी आप चाहते हो उसमें और आमिर खान भी चाहते हो, तो नहीं हो पाएगा। आई थिंक ऑल दीज अदर आर्टिस्ट हैव आल्सो बिकम टू बिग, तो उनका खुद का शो होना। ओके आखिर में अपने फैंस से आप क्या कहना चाहोगे? फैंस से सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी आप कमेंट्स और जो प्यार आप मुझे सोशल मीडिया पर देते हैं, आई रीड एवरीथिंग। लोग चाहते कि आप टेलीविजन में भी आए जल्द से जल्द। थैंक यू सो मच। बिग बॉस में आने की है इरादा? नहीं बिग बॉस इज टू मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर फाइनली छूटे।